आप देख रहे हैं उल्लास नगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल उल्लास नगर दर्पण न्यूज। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे उल्लास नगर दर्पण न्यूज चैनल में। आज हमारी मुलाकात हो रही है यंग डैशिंग डायनेमिक एक उद्योगपति से लेकर और एक अच्छे समाज सेवी के रूप में, जिनका आज जन्मदिन है और बहुत ही सौभाग्य की बात है सभी के लिए कि आज इनका जन्मदिन हमारे बीच में है। सभी इनकी उम्र के लिए मंगल कामना करते हैं। श्री पिंटो भटीजा जी हैं। समाज से जुड़े रहने के साथ साथ छोटे छोटे कार्यों को करते रहना और अपनी पत्नी के साथ एक नगर सेविका के रूप में उनको देखकर वार्डवासियों की समस्याओं को सुलझाते रहना, एक चेयरमैन के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और वार्डवासियों की समस्याओं का सुधारण करते गए करते गए, और आने वाले समय में भी उनकी बहुत अच्छी योजनाएं हैं। तो पिंटू जी बताइए, आने वाले समय में आपका भविष्य में वार्डवासियों के लिए क्या सपना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा, जो सब लोगों ने मुझे यहाँ पे मेरे जन्मदिन पे आशीर्वाद के रूप में सब लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, जिसके मैं शायद लायक भी नहीं हूँ, उतना मुझे प्यार मिला है लोगों से। और मेरी कामना यही है कि मैं लोगों के बीच में रहूं और लोगों का काम करते रहूं। जितनी सेवा मैं कर सकता हूं उतनी मैं करूंगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं करूंगा। यानी इस जन्मदिन पे आपने कुछ ना कुछ संकल्प लिया है, क्योंकि इलेक्शन करीब है, जरा थोड़ा सा बताइए। देखिए, जन्मदिन है तो संकल्प लेना जरूरी नहीं है कि जन्मदिन है तो ही संकल्प लेना है। संकल्प हम कभी भी ले सकते हैं। जैसे हम राजनीति में आए तो उसी वक्त संकल्प लिया था कुछ चीज़ों का, कि जैसे कि इमली पहाड़े के रास्ते हों, एक संकल्प लिया था मैंने तब वहाँ के रास्तों की हालत देख के, मैं कैसे भी करके अपने टर्म में पूरा करूँगा। बीच में कोविड के रीजन की वजह से लेट भी हुई थी, पर पीछे पड़ के जो मेन रास्ते थे मैंने क्लियर किए हैं। आप जहाँ पहले 20-20 सालों से वहाँ पर काम नहीं हुए थे, आप जाके देखेंगे तो वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या काम हुआ है। मुझे वो लोगों से प्यार मिल रहा है और कुछ भी मुझे लोगों से अपेक्षा नहीं है। देखिए, मैं सभी लोगों से दिवाली पर यही शुभकामना देना चाहूँगा कि सभी लोगों के जीवन स्वस्थ जीवन रहे, खुशियाँ रहें और मंगलमय रहें। कोविड जैसी बीमारी, फिर जो 2-2.5 साल कोविड की जिन लोगों ने झेला है उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने जिन्होंने अपने घर के चिराग खोए हैं, इस जो दुखद घटना के लिए मैं उनको सहानुभूति दे सकता हूँ और मंगल यही कामना करूँगा ईश्वर से कि उनके परिवार में सुख और शांति और समृद्धि रहे। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। जैसा कि आपने देखा, हमारे पिंटू जी ने कहा संकल्प कभी भी लिया जा सकता है। हम एक बार फिर से इनको जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और ये संकल्प लेंगे लेकिन बताएंगे नहीं और लोगों के हित में लेंगे, इतना मैं जानना चाहूंगा। थैंक यू पिंटू जी, उल्लास नगर दर्पण न्यूज की तरफ से आपको जन्मदिन एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।